खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के केरल दौरे पर भाजपा ने सवाल खड़े किए। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस में कोई अध्यक्ष बनने या बनाने के लिए तैयार नहीं है, ढूंढने का काम चल रहा है। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मैं तो आग्रह करूंगा कि पूरे देश में अगर कोई योग्य नेता कांग्रेस के पास बचा है तो हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बचे हैं। उन्होंने ढाई ढाई साल के मुद्दे के बाद भी अपनी कुर्सी को बचा कर रखा। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के केरल दौरे को लेकर कहा कि इससे प्रदेश को क्या फायदा होने वाला है। वहीं पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ब्रजमोहन अग्रवाल किस नैतिकता से कांग्रेस संगठन पर टिप्पणी कर रहे हैं। जो पार्टी कभी अटल आडवाणी की जेबी संगठन थी, आज मोदी शाह की जेबी संगठन है। वह कांग्रेस के बारे में ना बोले तो बेहतर होगा, उन्हें आत्मावलोकन करना चाहिए। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। भारतीय जनता पार्टी ब्रजमोहन अग्रवाल किस नैतिकता से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के संदर्भ में टीका टिप्पणी कर रहे हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल बताएं कि अभी जेपी नड्डा को फिर से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनाने का निर्णय हुआ है, तो जेपी नड्डा कब नामांकन भरे थे, कब भाजपा का चुनाव कार्यक्रम घोषित हुआ था, कौन कौन उसके लिए उम्मीदवार थे, कितने लोगों ने मतदान किया। जिस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा पद मुख्यमंत्री को माना जाता हो, उस पार्टी का तो मुझे लगता है अब जनता मालिक नहीं है। उस पार्टी की मालिक अब भगवान बचा है जो उस पार्टी को बचा सकता है। मैं तो आग्रह करूंगा कि पूरे देश में अगर कोई योग्य नेता कांग्रेस के पास बचा है तो हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बचे हैं।